नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे, वैसे वैसे अब पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बता दें, इस मामले में अब बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा उठाए गए सवालों के बाद अब कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने भी तंज कसा है। पीयूष बबेले ने अपना सोशल मीडिया एक्स यानी प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर लिखा है कि अब प्रदेश में चालू मामा और 40 चोर की विदाई तय है। बता दें कि बीजेपी के घोषणा पत्र से लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने का वादा नारद है, और जबकि बीजेपी 3,000 रुपये का लगातार प्रचार कर रही है। बता दें, कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने इस ट्वीट पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कोई सगा नहीं है जिसको पीएम ने ठगा नहीं है। पूरे प्रदेश की बहनों को 3,000 रुपये देने का वादा किया जा रहा है और घोषणा पत्र में योजना का जिक्र तक नहीं है। वोट के लिए झूठ बीजेपी का मंत्र जो है वो बन चुका है, और बीजेपी का यही दो मुहा चरित्र एमपी के पहचान बन चुका है। इस बार चालू मामा और 40 चोर की विदाई तय है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी ने सबसे बड़ी पलटी मारी। लाडली बहना योजना में 3,000 रुपये देने का योजना बनाई, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र से ही उस योजना को बाहर कर दिया, जबकि प्रदेश में इसका प्रचार किया जा रहा था। लेकिन बहनों निराश ना हो, कमलनाथ जी की नारी सम्मान योजना में हर महीने आपको हर 1,500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। 1 जनवरी 2024 को पैसे खाते में आ जाएगा। इधर बीजेपी के घोषणा पत्र पर कमलनाथ जो है वो सवाल उठा रहे हैं। कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि लाडली बहना योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 3,000 रुपये देने का कोई जिक्र तक नहीं है, जबकि कई वादे कांग्रेस की झूठे घोषणाओं की नकल किए जा रहे हैं। बता दें कि कमलनाथ ने कहा है कि झूठ बोलने से बहुत साहस की जरूरत होती है झूठ बोलने के लिए। कमलनाथ ने आगे कहा कि सीएम शिवराज, आपने मध्य प्रदेश का कोई भी शहर या कस्बा नहीं छोड़ा है जहां आपने अपनी बहनों को लाडली बहना योजना के तहत 3,000 रुपये देने का वादा करते हुए होर्डिंग और बैनर नहीं लगाए हो, लेकिन आज जब आपने संकल्प पत्र जारी किया तो उसमें आपने इस पर कोई घोषणा तक नहीं की। कमलनाथ ने महिलाओं से कहा कि वह चिंता ना करें, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आएगी और उन्हें नारी सम्मान योजना के तहत प्रतिमा 1,500 रुपये देगी, और 1 जनवरी से उन्हें 500 रुपये में सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई है, कहीं ना कहीं अब पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रही हैं। फिलहाल आप इस नारी सम्मान योजना और लाडली बहना योजना के तहत आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट नाइन आवाज के साथ।